नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, उदयपुर का कन्हैयालाल हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। दरअसल इस बार इसको सुर्खियों में आने के पीछे का कारण, कन्हैयालाल हत्याकांड की जांच कर रही जांच एजेंसी एनआईए ने अभी शुक्रवार को दोनों आरोपियों को उदयपुर क्राइम सीन की तस्दीक करने के लिए हाजिर किया और शनिवार सुबह क्राइम सीन पर ले जाया गया। वहां पर तस्दीक हुई किस तरह से हत्याकांड हुआ था, उसकी तस्दीक हुई, जो जांच का एक पार्ट है। आप सभी जानते हैं 28 जून को उदयपुर में कन्हैयालाल दर्जी की जगन्नाथम हत्या कर दी गई थी। कन्हैयालाल दर्जी ने भाजपा की नेता नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट वायरल किया था और ये पूरा मामला तब काफी चर्चा में था। लेकिन अभी जब इनकी फिर से एक बार उदयपुर लाया गया और एनआईए द्वारा क्राइम सीन तस्दीक किया गया तो फिर से यह मामला चर्चा में आया है। तो अभी अपडेट हो रही है, विजुअल देख रहे हैं, विजुअल उसी समय का है, शनिवार की जल्दी सुबह को 5 बजे यह तस्दीक की गई, जिसके फुटेज आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तब इस मामले में कहीं ना कहीं एनआईए जो है काफी स्फूर्ति से जांच आगे बढ़ा रही है और ऐसी उम्मीद है कि आने वाले काफी जल्दी समय में एनआईए जो अपनी जांच पूर्ण करके चार्जशीट दायर कर दी। तो ये एक अपडेट हम दिखा रहे थे आपको कन्हैयालाल मर्डर कांड से जुड़ी हुई। तो अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।